नमस्ते दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिग्नल कंडीशनिंग के कैसे यूज करते हैं, उसमें इन्वर्टर सेट रीसेट और लैचिंग सर्किट को किस तरह से यूज किया जाता है, चलिए वीडियो में देखते हैं। तो आप सब लोग को तो पता होगा चार्ट में कैसे प्रोग्राम करते हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो सिंपली चार्ट खोला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक मॉड्यूल के अंदर में यहाँ पे दिया हुआ है सिग्नल कंडीशनिंग। सिग्नल कंडीशनिंग एक उठा के यहाँ पे ड्रैगन ड्रॉप कर देंगे, तो उसको उठा के सिंपली माउस के प्रेस करके उठो ले आएंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम में वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम लोग यहाँ से कॉपी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक इनपुट दिया हुआ है, एक रिसेट का बीट दिया हुआ है, एक आउटपुट दिया हुआ है। जो कि इनपुट का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं, जैसे ये TM2 का इनपुट में दे देंगे। देखिए यहाँ पे इनपुट 1 में दे देंगे उसको इनपुट, मतलब इसमें जब सिग्नल आएगा ये हमारा आउटपुट में सिग्नल देगा, और सिग्नल को लेकर हम लोग आउटपुट के बेसिक यूनिट के आउटपुट में यूज कर देते हैं। तो रिसेट के लिए एक इनपुट दे देते हैं, यहाँ पे इनपुट 2 को मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रिसेट में लगा देते हैं, मतलब जब ये आएगा तो ये ब्लॉक रिसेट हो जाएगा, जो सेट वाला होगा ये रिसेट हो जाएगा। तो टाइप में हम लोग बहुत सारा दिया हुआ है, सिग्नल को आप इसे इन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग कर सकते हैं, लैचिंग के लिए एज राइजिंग विथ मेमोरी कर सकते हैं, तो इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अभी ये नॉन इन्वर्टिंग है तो मतलब सिग्नल को चेंज नहीं करेगा, 0 से 1, 0 1 से 0 ऐसे नहीं करेगा, 0 देगा तो 0 देगा, 1 आएगा तो 1 आएगा। तो इसमें क्या होगा कि रिसेट का डाल दिए, आउटपुट का डाल दिए। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं किस तरह से होता है, इसको डाउनलोड मार देते हैं अभी। तो डाउनलोड करने के बाद आपको ऊपर में डाउनलोड कर बटन दबाएंगे तो ये आएगा, इसको लोड कर देंगे तो ये लोड हो जाएगा हमारा सिमो कोड में। तो सिमो कोड के लिए आप प्रोफिबस केबल से भी कर सकते हैं, MPI केबल लगा के, और नहीं तो साइरस PTP का जो केबल आता है उसमें भी कर सकते हैं ये सब चीज़। तो अभी देखिए अभी ऑनलाइन ले जा रहे हैं, अभी ऑनलाइन आ जाने के बाद देखिए दोनों इनपुट भी बंद है और आउटपुट भी बंद है। तो उसमें अगर इनपुट आएगा तब जाके मेरा आउटपुट हाई होगा। देखिए अभी देखिए इनपुट 1 आया तो मेरा आउटपुट हाई हो गया, तो मेरा रिसेट वाला अभी हाई नहीं है। जब रिसेट वाला आ जाएगा तो इनपुट मेरा हट जाएगा, जो आउटपुट मेरा हट जाएगा। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी देखिए आउटपुट हाई है तो मेरा इनपुट 1 वाला प्रेस हुआ है, नीचे जो स्विच दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मोटर मेरा घूम रहा है क्योंकि आउटपुट मेरा हाई है। अभी अभी जैसे ही मैं इनपुट 1 बंद कर दूंगा तो देखिए मेरा आउटपुट बंद हो गया। ऊपर में बैकग्राउंड में प्रोग्राम देख सकते हैं, ऑनलाइन पे है, मोटर भी बंद हो गया यहाँ पे, और क्योंकि मेरा आउटपुट बंद हो गया। तो जैसे ही मैं इनपुट 1 को दबा दिया, यहाँ पे जो स्विच लगाए ये सब इनपुट 1, 2, 3, 4 करके, जैसे ही मैं रिसेट दे दिया तो रिसेट देने से मेरा बंद हो गया। अगर रिसेट को मैं बंद कर दूंगा तो फिर मेरा मोटर चालू हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों अभी ऑन है, इनपुट 1, इनपुट 2 ऑन है, मतलब सेट भी ऑन है, रिसेट भी ऑन है, इसलिए आउटपुट हाई है। तो देखिए अभी रिसेट में बंद कर दिया तो आउटपुट मेरा हाई हो गया तुरंत। देखिए इनपुट 2 को मैं ऊपर कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया, इनपुट 1 अभी ऑन है तो मेरा आउटपुट जा रहा है। जैसे ही मेरा रिसेट आ जाएगा तो मेरा आउटपुट बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रिसेट आ गया, आउटपुट मेरा बंद हो गया, मोटर भी बंद हो गया। यहाँ पे लॉजिक में देख सकते हैं, लॉजिक में भी आउटपुट मेरा बंद हो गया, पीछे बैकग्राउंड में भी आपको दे रखा है, वीडियो में भी दिख रहा है, तो दोनों साइड में मेरा बंद हो गया। तो इसको जैसे ही मैं रिसेट वाला हटा देता हूँ तो मेरा ये सेट वाला हो जाता है। तो सेट को भी बंद कर दिया तो सब बंद हो जाता है। तो मतलब इसमें लैचिंग वाला काम नहीं करता है, इसमें सेट आएगा तो सेट होकर चलेगा, अगर रिसेट आ जाएगा तो बंद हो जाएगा, रिसेट अगर हट जाएगा तो फिर चलता रहेगा, जब तक सेट नया हटता तब तक चलता रहेगा। तो इसी तरह से ये हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग का सेट रिसेट वाला बीट इसे काम करता है। तो मतलब इसमें सेट करके रिसेट भी कर सकते हैं। तो दूसरा एक ऑप्शन देखते हैं, इन्वर्टिंग अगर करेंगे तो सिग्नल को 0 से अगर आएगा तो उसको 1 कर देगा वो। तो एज राइजिंग विथ मेमोरी यूज करते हैं यहाँ पे सेट रिसेट के लिए, मतलब एक बार पल्स दिया तो मेरा सेट हो गया, जब तक रिसेट नहीं किया तब तक मेरा आउटपुट लो नहीं होगा, हाई रहेगा। अगर एक बार सेट हो गया तो आउटपुट मेरा हाई, अगर जब तक रिसेट हो जाएगा तब तक मेरा वो हाई रहेगा। तो देखिए अभी अभी डाउनलोड करते रहे हैं, इसमें एज राइजिंग विथ मेमोरी सिलेक्ट किया है, सेम कॉन्फ़िगरेशन था जैसे इनपुट 1 इनपुट में, इनपुट 2 का रिसेट में। तो देखिए अभी जब तक मेरा इनपुट 1 आएगा, पल्स भी आएगा, बीट आके चला जाएगा, तो भी मेरा आउटपुट हाई रहेगा। अभी देखिए इनपुट 1 आया तो मेरा आउटपुट हाई हो गया, अभी इनपुट 1 चला गया लेकिन मेरा आउटपुट हाई है, आप देख सकते हैं। इसमें ये हो गया हमारा सेट रिसेट वाला, आउटपुट हाई है, मतलब मेरा मोटर अभी घूम रहा है। तो
इसको अगर आप रीसेट कर देंगे तो मेरा आउटपुट लो हो जाएगा। फिर जब तक आप सेट नहीं किए, इनपुट वन को नहीं दिया, तब तक मेरा ये ऐसे रीसेट होकर पड़ा रहेगा, जीरो होकर पड़ा रहेगा। तो अभी देखिए, अभी मेरा अभी दोनों इनपुट बंद है, लेकिन आउटपुट मेरा हाई होके रखा है, क्योंकि ये मेरा एज राइजिंग विद मेमोरी सिलेक्ट किया है। तो एक बार सेट वाला इनपुट अगर आ जाता है तो मेरा ये एक बार सेट हो जाता है। तो देखिए, अभी रिसेट वाला बटन में दबा दिया तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब रिसेट दबा देने से मेरा चला गया, जो सेट होके था वो चला गया। फिर अगर मैं रिसेट को सही कर दिया तो ये फिर से चालू नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेट का बिट हट गया है। तो देखिए, अभी यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको मोटर घुमा के। तो देखिए, अभी तीनों बीट में कुछ भी हाई नहीं है इनपुट आउटपुट। अभी देखिए, मैं इनपुट ऑन किया, इनपुट वन ऑन किया, मोटर मेरा घूम रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट भी मेरा हाई है, इनपुट वन आया तो आउटपुट मेरा हाई है। अभी अगर मैं इनपुट वन को हटा दूंगा तभी मेरा चलता रहेगा, या फिर रिसेट अगर दबा दूंगा तो मेरा बंद हो जाएगा। देखिए, अभी मैं रिसेट बीट को हाई कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, रिसेट बीट हाई हो गया तो मेरा आउटपुट बंद हो गया। रिसेट मतलब आउटपुट बंद, ये ब्लॉक में। तो मैं अगर रिसेट हटा दूंगा तो अगर फिर भी इनपुट वन अगर होगा तो भी मेरा मोटर नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक बार ही पल्स लगा, उसके बाद जब तक रिसेट नहीं होता है तब तक वो लेगा नहीं, वो पल्स फिर से आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इनपुट वन में अभी हटा दे रहा हूँ, तो अभी मेरा बिंदास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही मैं रिसेट कर दूंगा तो आउटपुट मेरा बंद हो जाएगा। अगर फिर से जब तक मैं इनपुट नहीं दिया स्टार्ट के लिए तब तक मेरा नहीं चलेगा। तो ये हो गया हमारा सेट रिसेट वाला लॉजिक, जो हम लोग पीएलसी में बनाते हैं वो सेम चीज यहाँ पे यूज करके रखा हुआ है। तो अभी फॉरवर्ड वाला डल रहा है तो फॉरवर्ड मेरा घूम रहा है अभी ये। तो रिवर्स, अगर रिवर्स में मतलब ये आउटपुट अभी फॉरवर्ड में लगाए तो फॉरवर्ड अभी घूम रहा है। तो इसमें बहुत सारे वीडियो हम लोग बना चुके हैं, आप वीडियो लिंक जाके देख सकते हैं। देखिए, जैसे अभी रिसेट में दबा दिया तो मेरा मोटर अभी बंद हो गया और सिग्नल जो आउटपुट है जीरो हो गया। तो जब तक मैं फिर से उसको स्टार्ट कमांड नहीं दिया इनपुट वाला तो तब तक नहीं चालू होगा। तो एक बार देखे हटा देने से आप उसको फिर से ये सेट हो गया, देखिए आउटपुट हाई हो गया। एक बार इनपुट देख के छोड़ दिया तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं उसको रिसेट ना करूँ, तब तक ये चलता रहेगा। तो इसको आप लेके बहुत सारे जगह में यूज कर सकते हैं, लिमिट में यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई मोटर चला रहा है, आप मोटर का प्रेशर आने से मोटर बंद हो जाना चाहिए, कि कुछ भी इंटरलॉक आप रहे तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।